वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड्स। तो हिमलैंड्स के अंदर गड़बड़ों का सिलसिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और लास्ट एपिसोड में हमारे हिमलैंड्स की जो टाइमलाइन खराब हुई है उसको ठीक करने के लिए मैंने और फलाना जी ने बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम उठाया था। हम लोगों के हिमलैंड्स की टाइमलाइन की गड़बड़ को ठीक करने के लिए बहुत ही स्पेशल टाइप के डायमंड की जरूरत है जो कि लाल कलर का डायमंड। और इस डायमंड को ढूंढने के लिए गाइस हम लोग गए थे एक स्पेशल मिशन पे, मैं और फलाना जी, एक बहुत ही एंशिएंट अंडरग्राउंड कबीले को ढूंढने के लिए। और वहां पर पहुंचने के बाद वहां के ड्राउन किंग को मारने के बाद, जिसको मारना बाय द वे बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसको मारा था वहां पर। एंड उसके बाद गाइस वहां से हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टाइप की बुक मिलते हैं जिसके अंदर उस लाल पत्थर तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाया हुआ था। तो उस लाल डायमंड तक पहुंचने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग इस वॉटरफॉल के पास जाना है एंड वहां पर हम लोग इसका क्या होने वाला है वो टाइम हम लोगों को बताने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में गाइस किसी भी हालत में ये लाल कलर का डायमंड हमको चाहिए अपने हाथ में ताकि हम लोग अपने हिमलैंड्स को बचा सके। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक। इस वीडियो को लाइक करें, 300k लाइक्स इन 5 डेज। एंड गाइस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। सो गाइस यहां पर मेन चीज ये है कि जब हम लोगों ने उस अंडर वाटर ड्राउंड बंदे को मारा था ना, तो वहां पर हम लोगों ने एक बंदे को बचाया था। इस बंदे ने गाइस मेरे को और फलाना जी को बहुत सारी मेन बातें बताई थी। लाइक कुछ बातों के लिए तो फलाना जी गायब हो गया था जो कि उसने सुनी नहीं है, बट वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर बताने के लिए। बट कुछ चीजें उसने इस लेक के बारे में बताई वो ये थी कि लाइक ये जो लेक है हमारी, ये जो वाटरफॉल है, ये बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला, लाइक नॉर्मल पानी से बहुत ज्यादा अलग होगा। बट एग्जैक्टली गाइस वो कैसा होगा वाटरफॉल दिखने में वो हमें पता नहीं है। लाइक ऑलमोस्ट अभी हम लोग कितना प्रोफेसर 2500-3000 ब्लॉक तो हम लोग चल चुके हैं अभी तक ऑलरेडी, एंड अभी भी आई हैव नो आइडिया कि कितना और ब्लॉक चलना है, तो मुझे नहीं पता। सपोज करो मुंह के सामने कोई ऐसा छोटा मोटा झरना आ भी गया तब भी मुझे क्या ही पता चलेगा कि वही है कि नहीं। अरे फलाना भाई तू फलाना ही है, हाँ सॉरी भाई सॉरी ठीक है भैया। तो बेसिकली मैं ये बोलता गाइस कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा वो वाटरफॉल हमारे मुंह के सामने आ चुका है। वो वाटरफॉल एकदम ऐसा अलग है दिखने के लिए, हम लोग उसको मिस कर ही नहीं सकते। अब उसने मुझे ये नहीं बोला एग्जैक्टली किस बायोम के अंदर वो आने वाला वाटरफॉल, बट वो वाटरफॉल को मिस करना इम्पॉसिबल है, इतना बोला उस बंदे ने हम लोगों को, प्रिजनर बंदे ने। उसके अलावा उसने 2-3 चीजें और बताई थी हमको यार, बट वो ना सारी की सारी चीजें लाइक ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो उनके बारे में तुम लोग बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा। मैं एक काम करता हूं, मैं फटाफट वहां पहुंचता हूं, अपनी एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। बस मुझे नहीं पता उस वाटरफॉल के अंदर हमारा क्या चीज वेट कर रही है भाई साहब, वहीं जाके चलेगा बता गाइस। गाइस मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, हम लोग पता कितनी देर से लेके आगे चल रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग कंटिन्यूसली ना एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। हम लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया अपना डायरेक्शन एंड बहुत देर से लेकर ना ये अजीब सा एकदम ऐसा फ्लैट जैसा डेजर्ट आ चुका है, पता नहीं क्यों एकदम फ्लैट है भाई ये डेजर्ट। इसमें ना ही कोई पहाड़ है ना ही कुछ है, एकदम फ्लैट, वो भी ऐसा रेड सैंड का, लाइक क्या बोलते हैं बैड लैंड वाला, मैंने पहली बार देखा। मुझे लग रहा है कि हम लोग अपनी ना जगह के एकदम नजदीक। क्या हुआ? What happened bro? What? Wait, ये क्या है? No, ये ग्लास है, ये ग्लास है फलाना जी। क्या लगता है पानी है ये? क्योंकि उसने मुझे बताया था कि इस वाटरफॉल का जो पानी है ना वो एकदम ऐसा अलग से कलर का, देखो वहां पर भी है वो यार, पर इसका पता कैसे करेंगे भाई? ये चीज क्या है यहाँ पर? ये पानी ये पानी है तेरी ऐसी की तसी पकौड़े, अगर पानी की जगह कुछ जहर होता तो मैं मर जाता अभी यहाँ पे। ये कैसा आदमी है देखो यहाँ पे, ये पानी है गाइस, दिस इज वाटर, ये देखो मैं तैर रहा हूँ ओके। और देखो नीचे मेरे यहाँ पे सांस भी जा रही है, दिस इज वाटर रोड, चल आ जाब उसी एक डायरेक्शन में चलते हैं ओके गाइस। अगर यहाँ पे अलग अलग का पानी आ चुका दिस मीन्स वो वाटरफॉल आसपास। अब तुम लोग ये देखो कि इस पूरे इलाके में वाटरफॉल कहीं दिख भी नहीं रहा, बट स्टिल यहाँ पर जितना भी आसपास का पानी है वो उसी कलर का, दिस मीन्स वो वाटरफॉल बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा दूर तक है। ओके चल बे फटाफट चल आ जा। ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड यार, उस वाटरफॉल के अंदर से क्या है भाई वो जानने के लिए ना भाई मेरी रूह ना यहाँ पे एकदम कांप रही है। जल्दी जल्दी आ फलाने, जल्दी जल्दी आ ले, मैं तो यहाँ पे पर्ल पूल मार के जाने वाला, तू भी पर्ल पूल मार दे भाई फटाफट आ जा। एंड ओ मुंह के सामने देखो गाइस इतना बड़ा पहाड़, व्हाट ये पहाड़ कितना सारा बड़ा है। फलाना ओ माय गॉड, ये थोड़ा रेंडर कम हो रहा है ब्रो। फलाना देखो के सामने फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ओ माय गॉड। ओके गाइस ये वही है मुंह के सामने देखो, यस ये कितना ही ज्यादा ऑसम है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है। बट इस जगह पे हम लोगों को मिलेगा क्या? ओके यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ओशियन पिरामिड है, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को ओशियन पिरामिड की जरूरत है, क्योंकि गाइस ओशियन पिरामिड की तो बात ही नहीं करी थी उन लोगों ने, है कि नहीं है? मुझे लग रहा फलाना जी हम लोगों ने इस लेक को अच्छे तरीके से एक बार यहाँ पे खोजना पड़ेगा, चल आ जा अंदर चल। अरे तू जा यहाँ से पकौड़े,
लगा है मुझे मार रहा है, तेरे खानदान भी मुझे नहीं मार पाएंगे समझा, चल भाग यहाँ से, भाग पकौड़े ऐसी की तैसी तेरी, निकल यहाँ से, दिमाग की दही कर रहा है मेरी यहाँ पे तू। ओह माय गॉड यार क्या ये स्मार्टी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हेलो क्या हो गया फलाना जी, व्हाट है व्हाट, अरे पानी के भी छलांग मार, क्या तू हवा में कैसे चला हुआ है, मैं नीचे नहीं जा पा रहा पानी में, यही क्या फलाना फलाना मेरी बात सुन, तू पानी के बीच नहीं जा पा रहा है, थोड़ा आगे जा एक बार अच्छे तरीके से चेक कर, पूरी लेक को चेक कर एक बार इधर अच्छे तरीके से, ये बंदा पानी के ऊपर चल रहा है यार। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ओ माय गॉड इसकी ऐसी की तैसी। गाइस मैंने तुम लोगों से पहले कुछ बताया था ना, मैंने तुम लोगों से पहले बताया था कि मुझे उस बंदे ने, प्रिजनर बंदे ने कुछ दो तीन चीजें और बताई थी इस लेक के बारे में, बट तुम लोगों को अभी क्या बताऊं, टाइम वेस्ट होगा। गाइस कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम लोगों ने देखा मैं अभी यहाँ पर पानी के अंदर गया था। गाइस उस बंदे ने मुझे बताया कि ये जो अंडर, ये जो ड्राउंड किंग वगैरह लाइक जो अंडर वाटर कबीले वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने इस लेक को कुछ इतना ज्यादा होली बनाया, तुम लोग ये मान के चलो, क्योंकि उनको वो लोग डंब लोग हैं, उन लोगों को अपनी कोई भी चीज है उसको छुपाने के लिए हिंट्स डालने पड़ते हैं खुद को याद दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो उन लोगों ने कहा इस पर्टिकुलर लेक को तुम लोग ये मान के चलो ये लोग ना पानी के देवता है, देवता ये लोग पानी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ना यहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है, अगर कोई भी बंदा यहाँ पर घोटाले की उससे जाएगा लाइक किसी के मन में कोई किसी भी टाइप का चोर है ना अगर, तो भैया वो इस पानी के अंदर जा ही नहीं सकता, इतना होली वाटर उन लोगों ने यूज़ किया, लाल कलर का वाटर यहाँ पर तभी है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्योर वाटर है। और गाइस फलाना जी हमारे इस पानी के अंदर कदम ही नहीं रख पा रहा है, तुम लोग समझ जाओ ये इस टाइप का जैसे गंगा जल होता है ना एकदम शुद्ध कर लेता है, ये पानी अशुद्ध लोगों को अपने अंदर मानता ही नहीं है फलाना जी, इसका मतलब समझे, इसका मतलब गाइस ये है कि फलाना जी मेरे साथ अब से लेकर स्कैम कर रहा है, इसके मन में कोई ना कोई चोर है, दैट्स व्हाई ये पानी इसको अलाउ नहीं कर रहा अपने अंदर जाने के लिए। अगर देखो मैं जाऊँगा ना तो मैं 100% चला जाऊँगा इसके अंदर, तुम लोग देखो क्या मेरे अंदर चोर है कि नहीं है, देखो मैं जा पा रहा हूँ ब्रो, आई एम नॉट इवन जोकिंग, फलाना जी बेवकूफ़ बना रहा है। एंड गाइस इस पानी का ना एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, तुम लोगों को क्या लग रहा था उन बंदों ने बहुत ज़्यादा दिमाग से बनाया हुआ इस वाटरफॉल को। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने, उस बंदे ने मुझे बताया कि ये जो लेक है ना ये पता क्या करती है ना, कोई भी बंदा घोटाला करने, घोटालेबाज अगर इसके अंदर जाएगा तो ये सेंस कर लेगी कि यहाँ पर जो भी राज छुपा हुआ है उस रेडियंट का, ठीक है ना, उसको चोरी करने के लिए आ रहा बंदा, तो ये क्या करेगी उस बंदे को अपने अंदर समेट देगी, और एक बार अपने अंदर ये लेक उसका समेट दे तो बाहर की लाइक एक्सटीरियर हेल्प के बिना वो बंदा बाहर अंदर से जा ही नहीं सकता है, अंदर के ब्लॉक सारे के सारे अनब्रेकेबल है, कोई तोड़ नहीं सकता है, एंड फिर उस बंदे की लग जाने वाली है। तो गाइस इसीलिए ये जो वाटर है ना ये हमारा बहुत ही ज्यादा डेंजर वाटर है, एंड थैंक गॉड कि मुझे लग गया, गया ये बंदा, देखो नीचे गुर गया ये बंदा, अबे बाहर नहीं आ पाएगा, ट्राई कर, देखो देखो ये बाहर नहीं आ पा रहा है, इसकी मुंडी हल्की सी बाहर स्टिक हो रही है बट ये ऊपर के लिए आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग अगर पानी के बीच, व्हाट मैं चल पा रहा हूँ पानी के ऊपर ब्रो, आई एम नॉट इवन जोकिंग, मैं चल पा रहा हूँ पानी के ऊपर, ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज दिस, फलाने ब्रो ब्रो बाहर आने की ट्राई कर, मैं चल क्यों पा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे समझ नहीं रहा, बचा मेरे को, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, अबे मेरी बात सुन, तू ना बाहर आ भी नहीं पाएगा फलाना जी, समझे कि नहीं समझे, आप यहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे, तू मुझे एक बात मतलब पूछ रहा है तू मुझसे मतलब पूछ रहा है, देख मैं तुझसे एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ, ये जो वाटर है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा प्योर वाटर है, एंड तू यहाँ पर कोई ना कोई घोटाला करने आया था, अब ये ना बोलियो कि हम लोग यहाँ पे उस राज का पता करने आए थे, रेडियंट का क्या राज इस वाटर झील के अंदर छुपा हुआ है, अब तू ये मान के चल ले मेरे बेटे, पागल है क्या लिख रहा नीचे, अरे बेटे तू मेरे साथ कोई ना कोई घोटाला कर रहा था समझा, अभी भी अगर तू नहीं बताएगा मैं तेरी बिल्कुल मदद करने वाला, ड्राउंड ही तेरे को मार देगा, यही तेरे को मार देगा यहाँ पे, ऐसी की तैसी तेरी, भाई ये बंदा लिख रहा है कि मैं तेरे साथ तू मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम कर सकता है भाई, मुझे बताओ जरा, देख मर जाएगा ऐसी मैसी मरेगा, हाँ वाटर ब्रीथिंग का पोशन पी रहा है, इतना आसान चीज है, तू भी नहीं मरेगा बेटे, अब मेरी बात सुन फलाना जी, अब आप इसी लेक के नीचे रहने वाले, यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, जब तक कोई बाहर का बंदा आपकी हेल्प करेगा नहीं, फूल लेके तू कुछ नहीं कर सकता, बाहर निकलने की कोशिश करता कर एक बारी, बाहर आ जा, तेरी ये चीजें आएगी क्या बाहर, ये भी बाहर नहीं आ पा रही, बाहर फेंक जरा इसको एक बारी तू बेटे फेंक, मैं तो गाइस तुम लोगों को ना अभी यहाँ पर बताता हूँ, डेमो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को गाइस की, आई एम नॉट इवन लाइन, देखो यहाँ पे ये चीज भी यहाँ से ऊपर नहीं आ पा रही है इसकी, ओ माय गॉड तू फंस गया फलाना जी, सच सच बोल दे, बहुत मारूंगा, देखा आगे ना कात में बहुत मारूंगा, सच सच बता, तू मेरा बेवकूफ बना रहा था ना अभी तक, तूने मुझे उस वॉल्केनो से क्यों निकाला था बेटे, मुझे निकाल, देखा गाइस
आ गए ना अपने असली औकात में, बेटे बोल रहा मेरे को अभी तक बड़ा ब्रो भाई, मुझे बाहर निकालो, तू मुझे सच सच बोल, मैं तेरा दोस्त हूँ। फलाना जी, अगर तू मेरा दोस्त होता ना तो तू अभी इस लेक के अंदर फंसता नहीं। जब हम लोग वहां पर नीचे थे ना उस अंडर वाटर किंगडम के अंदर बेटे, अभी अंडर वाटर सिटी के अंदर, जब तू बाहर अरे परे गेड़िया मार रहा था है ना, तेरे को ज्यादा चुल थी, तो उस प्रिजनर बंदे ने मुझे बताया इस लेक का राज जो कि तुझे नहीं पता। तू बाहर में जा, मैं तो तेरे को छोड़ के जा रहा भाई, मुझे बता फटाफट। अगर तुमने सच बताएगा ना भाई, अगर तूने मेरे साथ घोटाला करने की कोशिश भी करी होगी ना, तब भी मैं मान जाऊंगा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अरे भाई देख भाई, मैं तेरे को दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा, तेरे को सुनाई नहीं दिया, अगर तू मेरे साथ घोटाला भी कर रहा था भाई, तब भी अगर तू मुझे सच बताएगा ना, तब भी मैं तेरे को यहाँ पर बाहर निकाल दूंगा। देखो गाइस, मैं इसको मार भी नहीं पा रहा, आई एम टेलिंग यू गाइस, अटक चुका है भाई तू लाइफ टाइम। फलाना जी, तू बुढ़ा हो जाएगा, तू इस लेक से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर तेरे को मेरी बात पे विश्वास नहीं है, अगर तू मुझे सच बोलेगा अभी, ठीक है ना, ठीक है, यस एग्जैक्टली, तू मुझे अगर सच बोलेगा पूरे तरीके से कि तू अगर मेरे साथ घोटाला भी कर रहा था, तो किस टाइप का घोटाला कर रहा था भाई तू मेरे साथ, ठीक है ना, मैं तेरे को तब भी बाहर निकाल दूंगा, माफ कर दूंगा, बड़ा दिल है मेरा, मुझे सब कुछ सच सच बता, एक भी चीज झूठ नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ, बता फटाफट बता मेरे को, चल। ऑल राइट गाइस, तो फलाना जी, पहली बात तो तुम लोगों को बोलना चाहते हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, फलाने तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। भाई साहब, तुम लोग गाइस यकीन नहीं करोगे कि ये बंदा ना, माय गॉड, ये बंदा कितना बड़ा घोटालेबाज आदमी है भाई साहब। तुम लोगों को पता गाइस, ये मुझे ना इसने मुझे अभी सब कुछ बता दिया यार, मेरी ना पैरों तले जमीन खिसक, अभी मुझे मारने की ट्राई कर रहा है भाई, अभी भी मारने की ट्राई कर रहा है गाइस, ये बहुत बड़ा घोटालेबाज आदमी है भाई, इसने मेरा क्या ट्रस्ट जीता मुझे उस डायमेंशन से बाहर निकाल के, आई एम नॉट इवन जोकिंग, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा मैं इतना बड़ा बेवकूफ हो कैसे सकता हूँ। तुम लोगों को बताए, ये बंदा ना अभी तक किलविश के लिए काम कर रहा है फलाना जी, ये बंदा किलविश के लिए काम कर रहा है अभी भी। और तुम लोग को पता है इसने मुझे यहाँ पे उसके थर्ड डायमेंशन से बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये बंदा ना होगा लाला की दाइमा के राज के बारे में पता लगाना चाहता रहा। तुम लोग को बताया ना कि जो किलविश है उसने जान मुझ के होगा लाला की दाइमा को मरवाने की कोशिश करी, ताकि होगा लाला को अपनी टीम में ले सके, उसको झूठ बोल के लाइक तेरी दाइमा मर गई, मैं तेरा देखभाल करूंगा तुझे, उसको फिर बाद में उसने एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब तो निकाल दे, तू रुक, कभी रुक, तू एक सेकंड रुक, तू मुझे बता दे सबको तेरा राज यहाँ पे। तो भैया, इसको किलविश ने भेजा था कि भाई हमारे दुश्मनों को बचा, ताकि तुझे पता चल सके कि वो दाइमा कौन है। इसका मेन प्लान था दाइमा को मारने का, ये दाइमा को मारना चाहता है ये बंदा। ओ माय गॉड, अब मैं तुझे क्यों बाहर निकालू, किस हक से बाहर निकालू, बता मेरे को एक बार है। और गाइस, जो टाइमलाइन को बचाने की बात कर रहा है, झूठा एक नंबर का, वो जो रेडिएंट है ना, जिसकी इन्फॉर्मेशन आज इस एपिसोड में उसने निकाली, अब तू बेटे लिखता रहे, तू बेटे लिखता रहे, तू नहीं बचेगा फिर, तू तो इधर ही फंसा रहेगा, तू क्या करेगा बता मेरे को, हैं बेटे। गाइस, जो रेडिएंट की हम लोगों ने आज इन्फॉर्मेशन निकाली ना, उसने सुपर कंप्यूटर, इसको ऑलरेडी पता था कि हम लोग टाइमलाइन को जब बचाने के लिए जाएंगे तो रेडिएंट जो डायमंड है वो हम लोग ढूंढने गए, इसका मकसद था उसको मुझसे चोरी करके भाग के किलविश को दे देना, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। इसने बहुत ही बड़ा घोटाला करने की कोशिश करी भाई, अगर तू एक छोटा मोटा घोटाला करता कि तेरा मन होता उस डायमंड को खुद के लिए चोरी करना, तब भी मान लेता, पर तूने तो भाई सारी की सारी आज, तूने तो क्या ही बोलूं मैं, सारी दोस्ती ही खत्म कर दी भाई। अब तो मैं तुझे बाहर निकाल ही नहीं सकता, अब तू यहीं पर सड़ेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ और यहाँ से आगे वाले पानी के बीच यहाँ मैं एग्जैक्टली तैर के जा सकता हूँ। और अब गाइस, मुझे ना बस यहाँ पर कोई जगह ढूंढनी है जहाँ पर कुछ तो मिलेगा मुझे, आई हैव नो आईडिया क्या मिलेगा, बट बेटे तू अंदर ही फंसा रहेगा समझा, अब तू वहां से कभी जिंदगी में बाहर निकल नहीं सकता है, बाहर में जा तू, अब मुझे निकाल नहीं निकालूंगा, क्या करेगा, नहीं निकालूंगा, ऐसी की तैसी इसकी पकौड़े की। ओ माय गॉड भाई, किलविश का बंदा ये भाई, अभी तक तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। अबे तो तू यही करने की सोच सकता है, सबको मार दूंगा। अबे तू किसको मार सकता है, तू बता जरा हैं। मैंने यहाँ पर गाइस कोई एंट्रेंस कुछ तो होगा यहाँ पे इस पानी के बीच में, जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे को लिख रहा भाई, तू रहने दे भाई, तू घोटालेबाज आदमी है, मुझे लग गया आज पता ये चीज। गाइस, मुझे यहाँ पे देखो क्या मिला, मुझे यहाँ पर एक एंट्रेंस मिली है, एक गुफा की एंट्रेंस है ये। फलाने, यहाँ देख मेरे बेटे, यहाँ देख मुझे क्या मिला है। बेटा, हमको मिल चुकी है एक एंट्रेंस गुफा की समझा, और तू नीचे ही अटका रह के बाहर ही नहीं आ पाएगा भाई। मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की, मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस, ये इतना प्योर वाटर था कि इसने मेरा काम कर दिया, और अब मुझे यहाँ से अंदर का रास्ता पता करना है। अबे सही में तू नहीं बचेगा, अरे तू रहने दे, तू भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, ऐसी की तैसी इसकी, बड़ा भारी आया तू यहाँ पर बकवास कर रहा है भाई साहब। ये वाली गुफा कितनी ज्यादा अंधेरे वाली है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे बस अपने इस आर्मर की लाइट से ना हल्का यहाँ पे दिख। ओ चेक दिस आउट ब्रो,
ये गुफा अंदर से कितनी ज्यादा ऑसम है। ओ माय गॉड। ओके तो गाइस इस बुक के अकॉर्डिंग अभी हम लोग इस वाटरफॉल वाली जगह पे, और अगर हम लोगों को रेडिएंट वाली जगह पे जाना तो तुम लोग देखो यार गौर से यार, फुटस्टेप्स यहाँ साइड होके नहीं जा रहे हैं, इस वाटरफॉल पे जा रहे हैं पहले और फिर वाटरफॉल के थ्रू रेडिएंट जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। एंड व्हाट, ये क्या है सामने, ये बंदा कौन है ब्रो, व्हाट द हेल भाई, एक बंदे की फोटो मुंह के सामने बनी हुई, ये क्या सीन है। वेट, ओ भाई साहब, ड्रीम बॉय मैं और एजियो, ये क्या मजाक है ब्रो, आई एम नॉट इवन जोकिंग, हम लोग एकदम ऐसी रैंडम सी वाटरफॉल वाली जगह पे, हमारी शक्लें क्यों यहाँ पर बनी हुई, व्हाट द हेल ब्रो, विद हिज बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है विद हिज बेस्ट फ्रेंड, मतलब क्या भाई इस बात का, ये क्या जगह है। एंड मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्वीट गॉड, हम लोग पहली बार हिमलैंड्स के अंदर इस जगह पर आए, इस वाटरफॉल वाली जगह, मैं आज से पहले कभी भी नहीं आया हूँ, सीरियसली सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को भाई, मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया हूँ आज तक। वेट, यहाँ पर ना और भी बहुत सारे साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिमलैंड्स, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही विल टेक रीबर्थ एंड सेव, मतलब क्या है भाई इस चीज का, यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विल विद हिज बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है हिमलैंड, और यहाँ पर भी एक और साइन बोर्ड पर ओनली ही, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, इसको मैं लाइन वाइज क्यों नहीं पढ़ रहा, क्या मैं अनपढ़ हूँ क्या, यू कैन नॉट सेव हिमलैंड्स, ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला वाला है आई गेस वो ये वाला है, यू कैन नॉट सेव हिमलैंड्स ओनली ही कैन, ही विल टेक रीबर्थ एंड सेव हिमलैंड्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड, क्या ये मैं समझा नहीं भाई इस बात का मतलब, एक सेकंड रुको, दोबारा से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, यू कैन नॉट सेव हिमलैंड्स, ओके, ओनली ही कैन, ही विल टेक रीबर्थ एंड सेव हिमलैंड्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड, ये लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम लोग हिमलैंड्स को नहीं बचा सकते हो, ओनली ही कैन, सिर्फ वो बचा सकता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल टेक रीबर्थ, वो दोबारा से रिवर्थ लेगा एंड सेव हिमलैंड्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा हम तीनों की बात हो रही है ब्रो, ये भाई मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, वो जो अंडर वाटर सिटी में जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में फाइट करी थी ना, वहाँ के उस ड्राउंड किंग को मारने के बाद हम लोगों को इस बुक के बारे में पता चला था, तो आई गेस इन लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन करी हुई और लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट सेव हिमलैंड्स, लाइक हम तीनों के लिए शायद से यहाँ पे लिखा, मतलब ये मेरी थ्योरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम तीनों यहाँ पर हिमलैंड्स को सेव नहीं कर सकते हैं, ओनली ही कैन, बट ही कौन है ये बंदा, इसकी शक्ल देखो जरा एक बार, ये बंदे की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली ही कैन एंड ही विल टेक रीबर्थ अकॉर्डिंग टू दिस साइन, और ये बंदा यहाँ पे रीबर्थ लेगा और फिर ये हिमलैंड्स को बचाएगा, भाई अभी इस वक्त ना गाइस हिमलैंड्स को बचाने के लिए मैं निकला हूं एक मिशन पे, ठीक है ना, और ये जो मुझे सामने तुम लोगों को रेडिएंट दिख रहा है, इस रेडिएंट की खोज में निकला हूं मैं, और इसकी खोज के लिए मुझे पहले वाटरफॉल वाली जगह पे आना पड़ा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बंदा है, भाई मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यू कैन नॉट सेव हिमलैंड्स ब्रो, क्या ये मेरी बात कर रहा है फिर किसी और की बात कर, आई एम सो कंफ्यूज, ओके, इस चीज को गाइस मैं याद रखने वाला हूँ, और ये चीज मैं प्रोफेसर से पूछने वाला हूँ कि ये चीज यहाँ पे लिखी हुई तो इसका मतलब क्या ब्रो, यहाँ पर सेंटर में कुछ तो है, यहाँ पे सेंटर में कुछ तो है, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक लीवर है, व्हाट, प्रोटेक्शन 4 वाला ओके, मैं समझ गया गाइस, हम लोगों को इस रेडिएंट वाली जगह पे इस वाटरफॉल वाली जगह से ये की चाहिए थी एक, जो कि लीवर है, इस लीवर का कोई ना कोई काम होने वाला है, ठीक है भाई मैं समझ चुका गाइस, और यहाँ पर जो भी ये चीज यहाँ पे बकवास लिखी हुई है ना कि हम लोग यहाँ पे सेव नहीं कर सकते हैं, ओनली ही कैन, अब ये बंदा कौन भाई, ये कोई नया ऐसा वॉरियर टाइप बंदा हो सकता है, तो फिर पता नहीं कौन है भाई बंदा, आई हैव नो आईडिया, बट मैं आया कहाँ से था, मुझे बस ना वहां से बाहर निकलना, हाँ आई गेस मैं यहाँ से आया था, मैं बाहर वापस आ रहा एक बारी ब्रो, बाहर वापस आ रहा हूँ एक बारी, चलो भैया फटाफट यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं एक बारी, एंड फलाना जी हेलो हेलो, कहाँ है तू भैया, हेलो भैया हम लोगों को लीवर मिल गया यहाँ से अंदर से, कहाँ गए आप, कहाँ गए बंदा, वेट 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 ब्रो ये बंदा यहाँ से गायब है, आई स्वेयर ये बंदा यहाँ से, ओ नो वेस डूड, निकल यहाँ से, फलाना जी यहाँ से भाग चुका है, How is this possible, dude? ये बंदा यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से अटकाया हुआ था, this is not possible. How the hell is this possible? What? अरे भाई यहाँ से बाहर निकलना impossible है, मुझे इस बंदे ने बताया था कि एक बार ये ले किसी को अपने अंदर समा दे, यहाँ से बाहर निकलना impossible है, यहाँ के सारे ब्लॉक्स अनब्रेकेबल है, ओके भाई फलाना जी यहाँ पे अनब्रेकेबल चीजों को तोड़ सकता है, ओके भाई ये ना
जो ये लेक है ना भाई, तो ये बहुत ही ज्यादा डरावनी है टू बी ऑनर। देखो तुम लोग यहाँ बीच में कितनी ज्यादा गहरी हो गई थी भाई साहब। मैं यहाँ से कभी बाहर निकलने वाला गाइस, और इस रेडिएंट वाली जगह के लिए ना मुझे इस जगह इस रास्ते को फिगर आउट करना पड़ेगा एक बारी। लेट मी चेक वन टाइम। एंड अगर तुम लोगों को याद है तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैं एक बारी कोऑर्डिनेट देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, अभी हम लोग इस वाटरफॉल वाली जगह पर खड़े हैं, ठीक है ना। तो गाइस अभी हम लोगों को सीधा जाएंगे ऊपर के लिए साउथ, और यहाँ से हल्का जगह पे लेफ्ट जैसा कर्व दिया हुआ है। तो लेफ्ट का मतलब हो गया कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में जाने की, हम लोगों को वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो साउथ हमारा है ये, वेस्ट हमारा है ये, तो इसके सेंटर में का मतलब है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं चलने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रेडिएंट वाली जगह पे पहुंच सकते हैं इसी सेम ट्रिक का इस्तेमाल करके। गाइस मैं एकदम ऐसे पैरेलल सीधी लाइन में चला था, तो मैं वाटरफॉल वाली जगह पे पहुंच गया था। तो मेरे को ऐसी सेम ऐसी सीधी लाइन में निकलना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे रेडिएंट वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। और तुम लोग अगर इस गौर से देखोगे तो जितने फुटस्टेप्स का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उसे थोड़ा सा कम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो तुम लोग इसका मतलब समझ जाओ कि जो रेडिएंट वाली जगह है ना, वाटर सिटी से वाटरफॉल तक आने के लिए गाइस हम लोगों ने कितना, आई गेस 4-5-6 हज़ार ब्लॉक्स के आसपास, मतलब तुम लोग ये मान के चलो वाटरफॉल से रेडिएंट वाली जगह हमारी ज्यादा से ज्यादा 3,500 से लेके 4,000 ब्लॉक्स दूर है। मैं पर्ल्स मार मार के जाने वाला हूँ, पर्ल्स मार मार के चल भाई। ब्रो ये जगह लेकिन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है यार, आई एम नॉट इवन जोकिंग। हमारा हेमलैंड एक्चुअली में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है यार, 3,500 से 4,000 ब्लॉक्स ट्रैवल करना भाई, ज्यादा नहीं करना है। कम ऑन स्मार्टी, यू कैन डू दिस मैन। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, भी फटाफट पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पे, आई नो दिस, फटाफट पहुंच जाऊंगा मैं। गाइज मैं ऑलमोस्ट आई थिंक इस रेडिएंट वाली जगह के आसपास पहुंच चुका हूँ। मैं 3,500 आई थिंक 3,550 ब्लॉक्स ऑलमोस्ट ट्रैवल मैं कर चुका हूँ, और ये है वो वाली जगह जो ये मैप मुझे लेकर आया हुआ। ब्रो यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पर ना कोई भी ऐसी जगह नहीं। देखो वहाँ पर एक गुफा थी, पूरी की पूरी गुफा मैंने अच्छे तरीके से चेक कर दी है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये एग्जैक्ट वही वाली जगह है यार, यहाँ पर आसपास ये रेडिएंट वाली जगह होनी चाहिए, बट कोई भी चीज यहाँ पे सस्पिशियस है नहीं है। ब्रो आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन, ओ माय गॉड। मैं एक्चुअली में गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, सेम डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे मैं और जाता हूँ 100-150 ब्लॉक्स, ओके, और वहां पर कहीं पर मैं चेक करता हूँ। वेट, ये वाला पहाड़ थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मेरे को, काफी सीधा ऐसा पहाड़ है ये भाई, कहीं भी हो सकता है गाइस। देखो मैं तुम लोग एक बात बताता हूँ, मुझे अंडर वाटर वाली जगह पे उस बंदे ने पता क्या बताया था ना लास्ट एपिसोड में, ये तो बताया था कि उस लेक के बारे में, बट ये भी बताया था कि जो रेडिएंट वाली जगह है ना हमारी, ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, कहीं भी हो सकती है। लाइक हम लोग उस लोकेशन पे तो पहुंच जाएंगे, बट ऐसा थोड़ी होगा कि मुंह के सामने एक महल बना होगा जहां पर अंदर रेडिएंट रखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ऐसे खोपचे में छुपाया होगा ना इन लोगों ने कि भैया मुंह के सामने होते हुए हमको दिखेगा नहीं। ओ गाइस मैं तुम लोग एक बार बताऊं, मैंने पूरा बड़ा ये वाला पहाड़ अंदर के लिए खोद रहा था, बट मैंने अभी गाइस जस्ट एक चीज यहाँ पे नोटिस करी है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ब्रो ये बहुत ज्यादा चालू है, चेक दिस आउट। ये मुझे तब से लेके ऐसा लग रहा था कि देखो ये स्नो है, एंड आई थॉट कि ये भी स्नो है, बट ये स्नो नहीं है, ये कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स है। एंड मुझे गाइस यहाँ पे क्यों शक हुआ कि इस इलाके पे हो सकता है, बिकॉज गाइस जो यहाँ पर स्नो रखी हुई है ना, ये यहाँ पे किसी ने जानबूझ के रखी हुई है, ऐसे नहीं लाइक ऐसे जो नॉर्मली स्नो गिरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तुम लोग, ये सिंगल लेयर की स्नो, और ये वाली स्नो को देखो कम से कम 3 लेयर है, ये किसी ने ना ऐसे करके स्नो प्लेस करी हुई है नीचे जानबूझ के, ताकि हम लोगों को बेवकूफ बना सके। ओ माई गॉड, तो यहाँ पर जो ये वाले ब्लॉक्स है, ये देखो यहाँ पे, ये पक्का मैं तुम, ये देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स है ये, आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो, यस वाइट कॉन्क्रीट। इसको नीचे रख एक बार यहाँ पे, और मैं कैसे इस जगह को ना अच्छे तरीके से खोदने वाला हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि ये एक्चुअली में है क्या ये जगह। ओके ओ माई गुडनेस, चेक दिस आउट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है ब्रो, ये एक वेल है पूरा का। ओके 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 ब्रो, जस्ट वेट अ सेकंड यहाँ से बाहर भागने का रास्ता भी मैं बना के रख देने वाला, मैं कोई भी किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। इसको यहाँ से खोद फटाफट स्मार्टी, एंड दैट्स इट, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी हमारा बन चुका है। ब्रो ये एक वेल है यहाँ पे, ओ माई गॉड भाई साहब क्या लिखा हुआ है, पुट द वैल्यूएबल आइटम इनसाइड ओनली वन चांस। वॉट, हम लोग को अपने को एक वैल्यूएबल आइटम अंदर डालना है, हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस में, और यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे देखो तुम लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं उस रेडिएंट वाली जगह पर पहुंचा, और यहाँ पर इन लोगों ने एक वेल जगह छुपा के रखा हुआ था। इन लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा ओपी है,
इस रेडियंट को हासिल करना किसी आम आदमी की बात है नहीं है, तो मेरे को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पर ना इजीली मर भी सकता हूँ। बट यहाँ पे लिखा हुआ है पुट द वैल्यूएबल आइटम इनसाइड, ओनली वन चांस। यहाँ पे वैल्यूएबल आइटम क्या है मेरे पास? मेरे पास मेरा आर्मर है, जो कि बहुत ही तगड़ा आर्मर है बाय द वे, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। बट इसके अलावा मेरे पास जो वैल्यूएबल आइटम को गोल्डन एप्पल भी बहुत नहीं, गोल्डन एप्पल तो हम लोग इजिली बना सकते हैं ना, एंड अभी हम लोग कोई थर्ड डायमेंशन के अंदर तो है नहीं है, तो एंडर पर्ल्स भी ज्यादा वैल्यूएबल यहाँ पे है नहीं है, मेरी तलवार वगैरह भी नॉर्मल है। इसके अलावा कोरस फ्रूट है मेरे पास यहाँ पे, ये कोरस फ्रूट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। बट द मेन थिंग इज इस कोरस फ्रूट का हमारे मेन हिमलैंड्स के अंदर कोई काम नहीं है। अगर हम लोग किसी और टाइमलाइन के अंदर फंसे हुए तो वहां से हम लोग अपने मेन हिमलैंड्स के अंदर बात कर सकते हैं, तो हमारे मेन हिमलैंड्स के अंदर इस कोरस फ्रूट का कोई काम नहीं है, तो मेरे पास तो कोई वैल्यूएबल आइटम है ही नहीं है भाई। ओ वेट अ सेकंड, ये सीक्रेट बुक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये सीक्रेट बुक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और मैं तुम लोग को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस रेडिएंट वाली जगह पे तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं, तो दिस मींस कि हम लोग को ये डालना है भाई। बट अगर हम लोग को ये नहीं डालना हुआ और ये बुक हम लोग को और आगे चल के काम है कि काश मैं यहाँ पर इस बुक का ना डुप्लीकेट बना पाता, बट मैं नहीं बना सकता हूँ गाइस। ओ माय गॉड, आई एम सो कंफ्यूज यार, क्या मुझे बुक को डालना चाहिए, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यही बुक हमारे यहाँ पे वैल्यूएबल आइटम है गाइस, मैं डालने वाला इसको। हो सकता है गाइस मेरा ये वाला डिसीजन यहाँ पे गलत हो जाए, बट हो सकता है ये वाला डिसीजन मेरा सही हो। गाइस मैं तुम लोग के आशीर्वाद की जरूरत है, कम ऑन मैन, इस वीडियो पे 300 के लाइक्स कंप्लीट करवा दो एंड आई थिंक मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा। 3, 2, 1, मैं इसको फेंकने वाला अंदर। फिलहाल को कुछ भी नहीं हुआ। मेरी स्क्रीन शेक हो रही है ब्रो। व्हाट भाई साहब, यहाँ पे धमाका हुआ। अरे भाई यहाँ पे मल्टीपल धमाके। ओके ओके, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बाहर नहीं जाने वाला हूँ। स्टिल यहाँ पे हमारी स्क्रीन, ओके मेरी स्क्रीन चेकिंग यहाँ पे अभी अभी जस्ट बंद हुई है, ये ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी हुआ है, आई हैव नो आइडिया, सच्ची बता रहा मैं तुम लोगों को। ओ माई गॉड, मुझे ना यहाँ पर कहीं पे ना धमाको, यहाँ से अंदर एक जगह खुली, ओके वहां पर भी धमाका हुआ है मुंह के सामने, और कहां कहां पर धमाके, एक और धमाका यहाँ पर हुआ है हमारा। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर जगहें खुल चुकी है अंदर जाने के लिए, आई एम नॉट इवन जोकिंग। व्हाट, यहां से अंदर भी रास्ते, ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड, वहां पर दो रास्ते खुले थे और यहां पर भी एक हमारा रास्ता खुला हुआ है ब्रो, यहाँ पर मल्टीपल रास्ते खुल चुके हैं भाई। मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, ये भी इनका कोई ना कोई सिक्योरिटी मेजर है, किसी एक रास्ते के अंदर जाना होगा पक्का, पता चले हम लोग किसी गलत रास्ते में चले गए और मर मुर गए अंदर जाके तो दिक्कत हो जाएगी। भैया इस वाले के अंदर घुसू या तो फिर दूसरे वाले के अंदर घुसू, आई एम सो व्हाट, ये क्या चीज है, हेलो, ओ माय गॉड, नो नो, ये होगा लाला नहीं है गाइस, होगा लाला भी सेम ऐसा ही दिखता है, बट थोड़ा सा अलग, उसकी पूंछ जैसी निकलती है, वो अलग सा डीमन बन चुका है बंदा वो। ओके गाइस, ये इसका सिक्योरिटी वाला सिस्टम है। नो भाई, भाग 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 भाग, क्या करूं ब्रो ब्रो ब्रो, ये मुझे मार देगा, खाने का, कमोन। नो, मैं जा रहा हूं, मैं किसके अंदर जाना पड़ेगा, ये मुझे मार देगा, ये बाहर है, ये अभी तक बाहर ही घूम रहा है, ये क्या, ये अभी तक बाहर घूम रहा है, मुझे इसके दिख रहे हैं। ओके, भगवान से दुआ करता हूँ गाइस कि यही वाला हमारा पहला वाला रास्ता हो, यही वाला लाइक हमारा सही वाला हो। ओ माई गॉड, व्हाट द हेल वाज दैट, मैं गाइस यहीं से आगे जाने वाला हूँ, आराम आराम से आगे चल स्मार्टी, कम ऑन। ओ माई गॉड भाई, मैं कब से लेके आगे चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्राउच करके चल रहा हूँ गाइस कंटिन्यूसली, बिकॉज मेरे को एक्चुअली में डर लग रहा है, मेरे को यहाँ पे ना बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा, थोड़ा फास्ट चल रहा है एक बार। एक सेकंड को गाइस, मैंने यहाँ पे अपने लिए पहले एक बार टॉर्च बनाने वाला, मुझे जस्ट अभी अभी याद है मैं टॉर्च क्यों नहीं बना रहा हूँ यहाँ। व्हाट, ये टीएलटी वाली जगह पूरी की पूरी, मुझे बंदा दिखा, प्लीज, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत करियो। ओ माय गॉड, ये ट्रैप था पूरे तरीके से। ओ माय गॉड, मुझे भाई इस गड्ढे के अंदर नहीं कूदना चाहिए था, ये एक पूरे तरीके से यहाँ पे ट्रैप। व्हाट, ये जगह फट्टे वाली है, ब्रो दैट वॉज ब्रूटल,
भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये लोग इतनी आसानी से इस रेडियंट को देने वाले नहीं हम लोगों को भैया, इतनी आसानी से देने वाले नहीं। दैट वाज अ गलत डिसीजन। मैं अभी यहाँ पे दूसरे वाले गड्ढे के अंदर जाने वाला हूँ। आई थिंक यहाँ पे तीन ही गड्ढे हुए थे, एक है हमारा ये वाला, ये वाला कुछ ज्यादा ओपन लग रहा है। आई थिंक ये वाला भी यहाँ पे गलत डिसीजन हो सकता है, वो वाला आई थिंक सही होगा। ओके मैं अब गाइज यहाँ पे इस वाले गड्ढे के अंदर जाने वाला, ठीक है। बस यहाँ पर मुझे इस वाले पे भी शक्कर है, कुछ ज्यादा ओपन है ये, बट भगवान से दुआ करता हूँ कि प्लीज ये वाला हमारा सही वाला हो। ये तो भैया छोटा सा कमरा है, ये तो शुरू होते ही दो स्केलेटन मेरे पीछे लगे हुए, अभी यहाँ पे जिंदा स्केलेटन, वो भी हाउ इज दिस पॉसिबल, ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है भाई हिमलैंड्स के अंदर। ओके बाहर निकल स्मार्टी कमॉन, पानी के भी जितना मैं रहूंगा उतना इन दोनों के लिए फायदा, पानी से बाहर इन दोनों को आग लगती है। आ जाओ, मैं स्केलेटन के साथ लड़ रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे एक दूसरे को मारो, लड़ो एक दूसरे के साथ प्लीज। अब स्केलेटन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जैसे वो मारते एक दूसरे को। वॉट, I can't believe this. Okay, ये बहुत OP है, ये बहुत OP skeletons है bro. Oh my god. चल. आजा skeleton भाई, जिंदगी में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किस skeleton ने मुझे मारा हो। तू मुझे मार नहीं सकता बेटा, तुम दोनों की औकात नहीं है। Skeletons मुझे कभी भी नहीं मार सकते, zombies मुझे इस गेम के अंदर कभी भी नहीं मार सकते। I can't believe this भाई, मैं अभी skeletons के साथ लड़ रहा हूँ, भाग भाग ऐसे। ये बहुत ओपी है, मैं ढाई हर्ट पे बचाओ ब्रो। आई एम नॉट इवन जोकिंग, मरने वाला अभी। चल 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 चल, तुझे थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा मेरे को। नो 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 मुझे स्केलेटन नहीं मार सकते हैं, ये हो नहीं सकता भैया। ये हो गया ना जिस दिन, यस इसने खुद के बंदे को मार दिया, यस मुझे मारने के चक्कर में खुद के बंदे को मार दिया। ये कितने ज्यादा ओपी थे यार भाई, ये क्या हो रहा है, ये स्केलेटन इतने ओपी कैसे हो सकते हैं। गाइस इस जगह से रेडिएंट निकालना इम्पॉसिबल क्यों है ब्रो, आई एम नॉट इवन जोकिंग यार। ओ माई गॉड, इसका मतलब समझे तुम लोग गाइस, वो तीन जो एंट्रेंसेस खुली है उनमें से दो यहाँ पर हमारी फेक थी और मैं उन्हीं दोनों में गया सबसे पहले। ये होती है किस्मत, ये होती है किस्मत भैया। हम लोगों को जाना था इस तीसरी वाले एंट्रेंस के अंदर जो मुझे एक्चुअली में कैप लग रही थी, रुको मैं यहाँ से अंदर जाने वाला एक बारी। चल बे स्मार्टी कम ऑन, मैंने अपने हाथ से इसको हटा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई चीज मुझे सामने एकदम से दिखे और मुझे यहाँ पे ना जंप स्केयर मिल जाए। चल भाई सामने को चलता रहे भाई, बहुत अंधेरा है यहाँ पर भी, सच्ची बता रहा हूँ बहुत अंधेरा है, बहुत ज्यादा। गाइस ये वाली गुफा भी ना यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी है, यहाँ पर हम लोग एग्जिट तक पहुंच चुके हैं। Oh my God, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है ब्रो। What? Wait. Oh my God. ऊपर देखो कितना सारा बेडरॉक है। भाई तू भाग जाए यहाँ से, भाई तू मेरी एक्साइटमेंट को खराब कर रहा है, कहाँ से बड़ी? अबे जाओ तुम लोग यहाँ से। Oh my goodness. No ways, please don't tell me. यहाँ पर इनमें से किसी एक ओके गाइज मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ। लेट्स जस्ट गो डाउन एंड यहाँ, ओ माय गॉड, यहाँ पर कितनी सारी चेस्ट लगी हुई है। ओ माय गॉड भाई, इनमें से किसी एक चेस्ट के अंदर रेडिएंट रखा हुआ है। नो वेज भाई, अगले साल तक लगेगा मेरे को यहाँ पर पता कि कौन सी चेस्ट के अंदर है, मैं फटाफट ढूंढता हूँ इनको। अरे भैया फटाफट करना पड़ेगा यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलना भी तो है मेरे को। व्हाट, मुझे लावा दिखा ऊपर ब्रो, ये क्या सिक्योरिटी सिस्टम है इन लोगों का, यहाँ पे हजारों के तारात पे चेस्टे रखी हुई है, मेरे को सारी चेक करनी पड़ेगी। इनमें से किसी एक चेस्ट के अंदर वो रेडिएंट रखा हुआ है ब्रो, दिस इज सो ओपी, ये बहुत ही ओपी स्टार्ट। भाई मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ओह माय गॉड, फास्ट प्लीज मिल जा मुझे, प्लीज मिल जा मुझे, मुझे प्लीज मिल जा भगवान, प्लीज मुझे मिल जाए। नो, अबे तू जा यहां से, टाइम नहीं लड़ने का मेरे पास। My God, गाइस मैं जितनी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चेस्टें चेक कर सकता हूँ मैं चेक करने वाला हूँ, इससे पहले कि ये मेरे सर के ऊपर गिर जाए। नो, ये बहुत ऐसी क्या, मुझे भागना पड़ेगा शायद से, अभी मुझे भागना पड़ेगा अभी शायद से। निकल यहाँ से भाई, ओ माई गॉड, आई कांट डू एनीथिंग ब्रो।
आई कांट डू एनीथिंग, सारी की सारी चेस्ट है यहाँ पे गायब होने। ओ माय गॉड, व्हाट, ये क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, ये कैसा सिक्योरिटी सिस्टम है। मैंने बाय द वे गाइस आगे की सारी जो चेस्ट है वो चेक यहाँ पर कर रही थी, मेरे को दूर जाकर देखना पड़ेगा एक बारी। अरे भाई यहाँ पे स्लाइम, यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी आ चुका। आ जाओ भाई तुम मार दो, पहले मार दे, आ जा ले मार दे। मेरे पास इतना ओपी आर्मर है कि तुम लोग मुझे मार तो सकते नहीं हो, बट स्टिल ओ माई गॉड गाइस, वहां पर ना कम से कम बोल रहा हूँ मैं 250 से 300 चेस्ट पड़ी हुई है, उनमें से किसी एक चेस्ट के अंदर रेडिएंट रखा हुआ है। ये बहुत ही तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। अब अगर गाइस मुझे अंदर, पहली बात तो लावा के अंदर जाऊंगा तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है ना, कोई भी टाइप का पोशन हम लोग को लावा के अंदर दिखा नहीं सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे फायर रेजिस्टेंट का पोशन बनाने के लिए जाऊंगा तो भैया मुझे पता है कितने पोशन बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे, और उनको बनाकर एक एक चेस्ट को चेक करने में ही अगली साल तक बीत जाएगी। ओह माय गॉड, मैं कैसे इस रेजिडेंट को टाइम पे निकालने वाला, आई हैव नो आइडिया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। अरे गाइस यार यहाँ पे देखो कितना सारा लावा है यार, मुझे यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को कि भैया मेरे को ना यहाँ से अंदर जाके सारी की सारी चेस्टों को एक एक करके खोलना है, तो मैं यहाँ पे डोर्स वगैरह भी लगा। व्हाट व्हाट, फटने के बाद उसने दे दिया मेरे को यहाँ पे, इधर से भी कर जीरो पर आएगा। ओह माय गॉड, ये लोग हर जगह पे क्या क्रेजी है भाई, ड्रीम बॉय बेबी, ये हर जगह पे कैसे टपकते हैं बंदे, कैसा लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है हमसे बच के भाग लोगे, हमसे बच के भाग लोगे किसी भी कोने से। अरे भाई मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, जरूर रहूंगा। व्हाट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रेनबो यार हर जगह पे गंद पा रहे, क्यों आ जाते हो आप लोग, साइड हो जाओ यहां से। मेरे को एक बात बताओ पहले तो, ये कर क्या रहे हो आप इस लोकेशन पे, इतना ज्यादा लावा वावा भाई, फिर से कोई मायावी ट्रिक कर रहा है, आई नो, आई नो, मुझे मार रहा रिवाइज को, रोक तो दे भाई इसको, रोक तो दे भाई इसको, कम से कम इसको रोक। जीरो ब्राइन मेरे भाई, ले ले अपना बदला, आज पूरा कर ले अपना बदला, तेरे को खुली छूट है। अरे यार भाई ये समझ नहीं रहा ड्रीम बॉय, मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस के लिए आया हूं यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन ले, 2 मिनट इंपॉर्टेंट काम है, 1 सेकंड, 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले यार, रुक 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 जीरो ब्रेन, रुक कुछ मत कर, हां क्या इंपॉर्टेंट काम है आपको यार ड्रीम बॉय, ये लावा देख रहा हूं मुंह के सामने, यहां से मैं एक चीज निकालने के लिए आया हूं, मुझे टाइमलाइंस को ठीक करना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे आओ यार तुम लोग। और क्या जीरो मैन को लेकर आ चुके, इसको तो मैंने यहाँ पे पूरे तरीके से पेल दिया था लास्ट टाइम पे भाई, इसको पेल दिया। एक बात बताओ, एक बात, आपने ऐसा क्या किया था मेरे जीरो ब्रेन के साथ जो उसको होश भी नहीं था। अभी होश आ तो गया ना, तो क्या करना जान के भाई आपको, अरे होश आ गया है, ये अभी बीच बीच में गायब हो जाता है, बीच बीच में इसको पता नहीं क्या होने लगता है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है अभी तक, इसको हुआ क्या है भाई, ऐसा किया क्या है तुमने। अरे यार मैंने क्या किया भाई, एक स्ट्रेंथ का पोशन मारा जो कि बहुत ओपी स्ट्रेंथ का पोशन था सिर्फ, और इसको मैंने 2-4 फटके मारे और भाई ये बंदा भाग गया डर के मारे वहां से मेरी नजरों के सामने। मेरे को नहीं लगता ये स्ट्रेंथ के पोशन से थोड़ी होता है, कुछ भी बोलो। अरे सच बोल रहा हूँ मैं ड्रीम बॉय, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के पोशन से हुआ जो भी हुआ है भाई, आप ऐसे नहीं मानने वाले ना। और मेरे को एक बात बताओ कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, इतना बड़ा गड्ढा और ये लावा क्या सब है। यार ड्रीम बॉय मैंने आपको बताया, मैं टाइमलाइन को ठीक करने के लिए कुछ मिशन पे निकला हुआ था, मुझे एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत थी, एंड वो जो चीज है ना इस लावा के अंदर ड्रीम बॉय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है जिसकी मुझे जरूरत है टाइमलाइंस को ठीक करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तुम दोनों यहाँ पर गंद पा रहे हो यार तब से लेकर, मुझे काम करने दो यार, बल्कि साथ काम करते हैं ना इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट चीज है कोई ना कोई। अरे हाँ साथ काम करते हैं ना यार भाई, हम लोग बचा लेंगे, लेट्स गो बेबी, कुछ बोलने की जरूरत है, समझ गया। अरे क्या ये हुई ना बात, ड्रीम बॉय अंदर बहुत सारी चेस्ट है, अगर चेस्ट फूट गई तो वो चीज लावा के बीच में जल जाएगी, इसको रोक, इसको रोक, इसको रोक, प्लीज नहीं बचना चाहिए एक भी, लेट्स गो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मैं बताता हूँ क्या किया था, ठीक है ना, पर बताऊंगा मैं एक ही शर्त पे ड्रीम बॉय, पहले मुझे वो सामान अंदर से निकालना पड़ेगा तुम लोगों की हेल्प से, तुम दोनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि जीरो ब्रेन मरता नहीं है, लावा के भी शायद से जा सकता है। मैं आपने मुझे बोला था ना कि आपका ये जीरो बन बहुत सारा कमजोर बन चुका है। ओ माई गॉड, अरे क्या मन मन में कुछ भी बोलते रहते हो भाई, ओ माई गॉड हुआ क्या है, ये था क्या। ओके आई गॉट इट, ड्रीम बॉय देखो मेरी बात सुनो,
मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपका जीरो ब्राइन बहुत ज्यादा कमजोर बन गया था ना इससे पहले, है ना? हाँ, उसके अंदर ताकत वगैरह बिल्कुल नहीं बची, ऊपर से एंटिटी भी है कि ओ बिल्कुल माय गॉड। क्योंकि गाइस तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम पे, जब लास्ट टाइम पे का भी थोड़ी देर पहले ही, जब फलाना जी के मन में मेरे लिए चोर था, तो वो उस अंडरग्राउंड लेक के अंदर कैप्चर हो गया था, याद होगा तुम लोगों को। व्हाट, फलाना जी ट्रैप हो चुका है? यस, अब मेरी बात सुनो, इनफैक्ट वो तो भाग भी गया था यार इससे पहले, मेरी बात सुनो ड्रीम बॉय। मैं अभी यहाँ पे जिस चीज के लिए आया उसका नाम है रेडिएंट, ठीक है ना, बहुत ही प्योर चीज है, और जिन अंडरग्राउंड बंदों ने इसको यहाँ पे कैप्चर किया था उन्होंने बहुत ही तगड़े वाले स्पेल्स का इस्तेमाल किया गाइस। अभी हीरो ब्राइन यहाँ पर एक बहुत ही हेटरेड वाले भावना से आया था, ये जीरो ब्राइन यहाँ पर ऑफकोर्स बहुत हेटरेड वाली भावना से आता है मुझे मारने के लिए, दैट्स व्हाई ये इस जगह से अपने आप रिपेल हो रहा था गाइस। मैं समझ चुका हूँ, जब जीरो ब्राइन इस पर्टिकुलर कोने की साइड पे आया ना, इस पर्टिकुलर कोने की साइड पे आई, यहाँ से वो रिपेल हो रहा था, आपने देखा ना पीछे का रिपेल हो रहा था बार बार। हाँ। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये गाइस कि जो इस पर्टिकुलर कोने की वो वाली हमारी चेस्ट वगैरह ना, उन चेस्टों के अंदर वो रेडिएंट रखा हुआ। एंड ड्रीम बॉय अभी तक आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई नहीं, क्यों पता है? क्योंकि आपके मन में अभी तक मेरे लिए यहाँ पर वो गुस्सा तो है, बट आप मुझे यहाँ पे जान से मारना नहीं चाहते। आपने जितना मर्जी यहाँ पे जीरो वन को बोला हो कि स्मार्टी बाय को मार दे, कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी तक दोस्ती है मेरे मन के अंदर, आपके मन के अंदर मतलब, है ना भाई? एटलीस्ट ये बात आपको पता तो चल रही है ना, जैसे ही पता चल रही है। बट एक बात बताओ, आपके मन में दोस्ती कहाँ है? मेरे मन में दोस्ती नहीं होती ना भैया, तो मेरा अभी तक यहाँ पे बैंड बच चुका होता। ये बहुत ही प्योर चीज है जिनके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ये रेडिएंट एक बहुत ही प्योर चीज थी जो हमारे हिमलैंड से बहुत पहले चोरी हो गया था, बहुत ही पावरफुल चीज है। सच बोलूं, मेरे को नहीं पता आप झूठ बोलते हो या सच बोलते हो, लेकिन अभी आप पे ट्रस्ट करना बहुत भाई, अभी आप मुझ पे ट्रस्ट करो ड्रीम बॉय, टाइमलाइन ठीक करनी है, ठीक है ना? आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, मुझे भी ट्रस्ट। भाई आपको पता टाइमलाइन के पीछे क्या क्या हो रहा है? आपको पता है बहुत गंदी चीज का, ड्रीमी बॉय का नेम टैग चेंज हो रहा है बार बार, एक नदी पूरी लावा की बन गई है। अरे एग्जैक्टली वही तो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस रेडिएंट को निकालना बहुत जरूरी है। रुको मेरे पास, अरे यहाँ पर बहुत सारा रेडस्टोन पड़ा हुआ, सुनो रेडस्टोन तोड़े सारा का साथ, सारा रेडस्टोन तोड़ो एंड मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर क्या करना है हमने। और मेरे को एक बात बताओ स्मार्टी भाई, ये पीछे रिपेल क्यों हो रहा था बार बार? देखो मैं आपको बताता हूँ ना, जो मेरी थ्योरी है गाइस यहाँ पे, क्योंकि जीरो पॉइंट आपने बोला कि पूरे तरीके से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, ठीक है ना ड्रीम बॉय? और ये जो हमारा रेडिएंट नाम का जो हमारा ये डायमंड है, लाल कलर का डायमंड है, बाद में आप देखोगे बहुत ऑसम है ये, ठीक है ना? तो जो ये रेडिएंट है इसकी इतनी हाई पावर है कि जो हमारा प्रोफेसर उसका कंप्यूटर भी इस इतनी हाई पावर का होता नहीं, कई बार की इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है कि हमारा कान सुन नहीं पाता है, उसी तरीके से उसका जो कंप्यूटर वो इतनी हाई पावर को सेंस ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना? तो इतनी हाई पावर है इसके अंदर कि आपका जो जीरो ब्राइन इतना कमजोर है कि उसको बार बार रिपेल कर रहा था। ये मैंने यहाँ पर अभी अभी थ्योरी लगाई, आप एक काम करो मेरे को कुछ रेड स्टोन का रिपीटर्स वगैरह बनाओ, रेड स्टोन आपके पास बहुत सारा आ चुका है ऑलरेडी, मैं भी और खोदने वाला हूँ, ठीक है ना ब्रो? और फटाफट भाई यहाँ पर आप अभी हम लोगों का भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर जितनी कुछ चेस्ट वगैरह, आपका पोशन, ओ आपका पोशन पड़ा हुआ आपके पास, क्या ये वाला क्या बोलते हैं उसको, फायर एस का? अरे मैं फायर एस का पोशन लेके थोड़ी घूमता हूँ यार, अरे यार मतलब हम लोगों को सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। ड्रीम जल्दी फटाफट यहाँ पे रेडस्टोन के वो बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट। पर रेडस्टोन का वो बनाना क्या है आप बोल रहे हो, वो बनाओ, रेडस्टोन के रिपीटर्स बनाओ फटाफट। अभी देखो यहाँ पर हम लोग कुछ करने वाले हैं, फटाफट बनाओ। ऑल राइट अपने को बस गाइस अभी यहाँ पे एक ये पर्ल मारनी अंदर, और अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपने को गाइस अभी रेडस्टोन का सिस्टम बनाना पड़ेगा बैक साइड के लिए, ताकि अपने आप इसको एक्टिवेट करे, ठीक है? अरे सुन तो लो भाई जी, रेडस्टोन का सिस्टम, हम दो बंदे हैं, मैं एक्टिवेट कर दूंगा ना जरूरत के रेडस्टोन की। ओ हाँ यार, वैसे मैं, अरे यार बात तो सही बोली आपने यार, आप तो एक्टिवेट कर दोगे इसको, ठीक है? तो गाइस मेरा आर्मर वैसे बहुत ज्यादा ओपी है, तो कोई टेंशन लेने की वैसे बात है नहीं है, बट मेरे पास ना ड्रीम बॉय ज्यादा से ज्यादा मैं 15-20 सेकंड अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ लावा के बीच में, अगर मैं अकेला होता, यस अगर मैं अकेला होता तो मैं इस सिस्टम को बना सकता रहा, पर्ल चेम्बर बनाया, बट उसके लिए फिर मेरे को यहाँ पे कैल्प सोल सैंड वगैरह के लिए जाना पड़ता, बचा दिया आपने, थैंक यू मैन। अब कैसे काम करते हैं, मैं एक बार यहाँ से अंदर जाने वाला, मैं देखने वाला हूँ कि अरे एक सेकंड, अंदर जाने से पहले ये लेके जाओ, ये लेके जाओ क्या? हाँ खाने का सामान दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, वैसे अभी रिस्क बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा रिस्क है अभी यहाँ पे कसम से। ये लो भाई इतनी है मेरे पे, आधे दे चुका हूँ मैं, ठीक है भैया 33, अरे 33, अरे गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ भाई। ऑलराइट मैं अभी यहाँ पे गोल्डन एप्पल खाने वाला हूँ एंड जय माता दी, लेट्स रॉक बॉयज एंड गर्ल्स। बुक का चेस्ट है ये खाली है, इधर की तरफ और चेस्ट है ये भी खाली है, कोई तीसरी चेस्ट ये भी खाली है, ये पास ब्रो 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 ये पास वाली चेस्ट के अंदर कुछ है नहीं। अरे भाई तू जा यहां से, तू क्या कर रहा है यहां पे? अरे मुझे क्यों टीपी कर रहा है अभी भाई? अभी मैं नहीं मर रहा था यार, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकता रहे भाई, मेरे पर्ल्स वेस्ट करवाएगा भाई एब्जॉर्प्शन तक लगी हुई है, मुझे लगा नहीं नहीं भाई ओपी आर्मर है ब्रो, ओपी आर्मर अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं एक काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाटर बकेट भी अपने हाथ में निकाल करने वाला हूँ ब्रो, क्या कर रहा है? अरे मैंने क्या किया, आपने मुझे एक्टिवेट करवा दिया वहाँ पे ऊपर? नहीं ओ माय गॉड,
क्या बंदा है यार ये। अरे ये पकड़ो, ये लो, एक दो और ले जाओ, ये लो। खाना पकड़ाओ मेरे को जल्दी जल्दी भाई साहब। गाइस मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने ना बहुत पहले एक लावा की एक ग्लिच वाली चीज देखी थी, रुको एक बार अगर मैं देख पाया फिर से तो थोड़ा सा देख। यस यहाँ पे देखो, हम लोग अगर बिल्कुल एज पे खड़े हो जाएंगे तो हम लोगों को हल्का हल्का अंदर का दिखना स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चेस्टें हैं एंड हमको इनमें से किसी एक चेस्ट के अंदर से निकालना पड़ेगा उसको। यार भैया ओ माय गॉड, 3.5 हर्ट्ज़ पे था अभी। मैं कह रहा हूँ कि आप सीधा डायरेक्ट अंदर चले जाओ, जाओ। और जैसे ही मरने वाला हूँ तो फिर आप कर दोगे ना पक्का? हाँ, मैं बुला दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को ना आज भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर इलाके पर मुंह के सामने यहीं से वो रिपेल हो रहा था, इधर ही किधर है भाई वो रेडिएंट, गारंटीड। बस गारंटीड। सोचने की बात ही क्या है, घुस जाओ। जय माता दी, रुको पहले मेरे को थोड़ा सा और खाना खान दो एक बारी। ओके गाइस 3-2-1 चल भाई रुको, पहले मेरे को देखना था ये पर्टिकुलर यहाँ पर एक और चेस्ट है इधर ही किधर। आपको दूंगा मुझे वापस करना है, ठीक है ना, कुछ कैमरा करने को। यहाँ पे लाल कलर का रेडिएंट है ये। गाइस मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, इन्होंने पता क्या किया था ना, ये सिक्योरिटी सिस्टम जो था, मुझे वापस पकड़ा उसको एक बारी। जहां से हम लोग इस गुफा के अंदर एंटर मारते हैं ना, ऑफ कोर्स तुम लोग अगर चेस्ट को चेक करोगे तो उसके नजदीक वाली चेस्ट को चेक करोगे, उसके सबसे अपोजिट साइड में यहां पर इन लोगों ने चेस्ट के अंदर रेडिएंट डाला हुआ था। रिबॉय अब एक काम करते हैं, फटाफट यहां से हिमलैंड चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग हिमलैंड के अंदर जाकर प्रोफेसर को पकड़वाना है, हम लोग अभी टाइमलाइन को ठीक करने जा सकते हैं। ए भाई आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी मदद ऐसे मजाक में करूंगा? रिबॉय प्लीज अभी ऐसा ना बोले, तो यहां पे स्कैम करेगा मेरे साथ। मतलब मैं इतना सब होने के बाद मजाक में मदद कर रहा था आपकी? हां क्या मतलब इस बात का ब्रो? ऊपर ना मैंने 1000 लोगों की आर्मी खड़ी कर रखी है, 1000 लोगों। व्हाट? 1000 लोग खड़े हैं ऊपर, बच के निकल के दिखाना आप। रेडिएंट मेरे पास है, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ ब्रो, बाय बाय। ए स्मार्टी भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे अभी, क्या हो गया? स्कैम कर दिया आपने मेरे साथ यार। स्कैम? आप जो अभी तक स्कैम करते आ रहे थे मेरे साथ। वेट वापस हा? ये बंदा स्कैम नहीं कर रहा, मैंने तुम लोगों को बताया ना इससे पहले, क्योंकि जीरो प्राइम स्कैमर था, मुझे मारने के लिए आया था, इसलिए उसको रिपेल कर रहा था ये डायमंड, अदरवाइज ये ड्रीम बस डायमंड को उठा भी नहीं पाता। चल वापस कर इसको, भाई मजाक कर रहे हो, सच बोलना आप। अरे यार लो यार, क्या बात करते हो भाई, इस टाइप की मजाक ना, कसम से मेरा दिमाग खराब हो। चलो यहाँ से बाहर जल्दी जल्दी भाई, कैसा मजाक करता है बंदा यार, जीव आदमी है यार भाई। यार भाई आपको मुंह देखने लायक हो, पता है मैं आपकी वीडियो में देखूंगा। मजाक नहीं करो भाई, मैं मेरा मुंह खुला का खुला रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं ये क्या कर दिया इसने भाई, 1000 बंदे लेके आया मुझे मारने के लिए दोबारा से। अब चलो यहाँ से ऊपर स्पंज का इस्तेमाल करके जाता हूँ भाई यार। मेरे को एक बात बताओ, जब तक हम प्रोफेसर के पास जा रहे हैं तब तक आप मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करो कि फलाना जी का सीन क्या चल रहा है। अरे भाई मैं आपको पूरा खबर फलाना का सीन बताता हूँ, कितना बड़ा स्कैमर है साला, एक नंबर का, और इसने मेरे साथ कैसे स्कैम करने की कोशिश करी, वो जगह कहाँ गई यार, कहाँ से आता मैं। चलो फटाफट चलते हैं, आ गया वो जगह, चलो फटाफट निकलते पूरे यहाँ से बाहर। तो ड्रीम बॉय ऐसी ऐसी बात है, इस तरीके से फलाना जी ना मेरे को पूरा पूरा स्कैम करने वाला था भाई, भाई की यार। ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई। पर पता है आपको, मेरे साथ भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है भाई। आपके साथ क्या गड़बड़ हुई भाई? मैं एक दूसरी टाइमलाइन में से एक लड़की को लाया था हमारी टाइमलाइन में, मतलब हमारे मेन, हाँ हमारे मेन हिमलैंड में, लड़की मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है वो, ठीक है। तो उसको मैं इस टाइमलाइन में लाया और यहाँ पे एक दूसरी टाइमलाइन से इविल एजियो एंड इविल स्मार्टी पाई भी आ गए, जिनके साथ मेरी फाइट हो रही थी, और वो उस लड़की को किडनैप करके ले गए ब्रो। तो उसको ढूंढने में मेरे को शायद आपकी जरूरत पड़ सकती है ब्रो, तो आप प्लीज फ्री रहना यार इन सब गड़बड़ों से। पहली बात, आप कोई लड़की को किसी और टाइमलाइन से लेकर क्यों आए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, क्या इंटेंशन है आपकी, बट कोई बात नहीं, उसकी मदद भी हम लोग कर देंगे यार। यार यही बात है जो भाई बोलते, यार वो मेरी दोस्त है भाई, उसको खुद उस टाइमलाइन में नहीं रहना था अपनी मर्जी से, तो आप अपने साथ लेकर आ गए, तो क्योंकि उसे खुद आना था इस टाइमलाइन में यार। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी मदद कर देंगे भाई, उसको भी हम लोग बचा देंगे, बेचारी को पता नहीं कहाँ होगा। इविल एज यू इविल स्मार्टी, मतलब किसी और टाइम, अच्छा हर टाइमलाइन के अंदर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो है ही है ना, तो आप लोग ऐसे टाइमलाइन के अंदर चले गए जहां पर इविल स्मार्टी, इविल ड्रीम बॉय और इविल लाइक ये होंगे सारे, है ना, वो हीरो नहीं होंगे वहां के, वो इविल होंगे। एजो भाई की वजह से हुआ है ये सब, एजो भाई की वजह से हुआ है भाई, मैं नहीं गया था वहां पे। खैर छोड़ो इस सब चीजों को, फिलहाल को हम लोगों को टाइमलाइन को बंद करना है, ठीक है। उसको टाइमलाइन बंद करने से पहले आपको उस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। नाम क्या है उसका? अरे उसका नाम मेरे को खुद नहीं पता अभी, जो उसका रियल नेम है, बस वो एक टाइप का डायलॉग बोलती है, किमोची, आई डोंट नो ये क्या है। तो नाम किमोची रख दो ना उसका। चलो जो किमोची, आपको उसको बचाना पड़ेगा पहले टाइमलाइन खत्म करने से पहले। अभी जा रहे हैं हम लोग टाइमलाइन ठीक करने, बाय द वे
प्रोफेसर साहब हेलो ब्रो, चेक दिस आउट ब्रो, चेक दिस आउट। ये देखिए यहाँ पे भाई साहब रेडिएंट मिल चुका। अब आपको पता है ना क्या करना है इस रेडिएंट के साथ ब्रो? आपको इस रेडिएंट के साथ हम लोगों को उस लोकेशन का पता करना है। इसकी बहुत हाई एनर्जी है ब्रो। इस रेडिएंट से ना इससे पहले ड्रीम बॉय का जो जीरो ब्रांड है रिपेल हो रहा था लिटरली, इतनी हाई एनर्जी है इसके। तूने एकदम सही बोला था ब्रो, कम ऑन जा कंप्यूटर पे और हम लोगों को लोकेशन बता फटाफट। ये अभी तक पीछे से लाल हो रखा है भाई। इसके जख्म ठीक करने का टाइम ही नहीं हम लोगों के पास, क्या करें यार बताओ, जख्म ही ठीक नहीं कर पा रहे। हल्दी तो लगानी है। हल्दी भी कहाँ से लेके, टाइम नहीं है भाई हल्दी लाने के लिए भी। हल्दी का मरहम लगाने के लिए तो 5 मिनट लगते हैं, टाइम ही नहीं है ब्रो। यार इसका भाई भी लुढ़का हुआ है, इसकी भी क्या हालत हो रखी होगी यार। ये अपने जख्म कहाँ ठीक करेगा, इसका भाई मर चुका है। अब वेट करते ही हम लोगों को बताएगा कि क्या क्या सीन है। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब ने फाइनली हम लोगों के लिए वो वाली लोकेशन ढूंढ लिया। इसने अभी अपने कंप्यूटर में इस रेडिएंट की एनर्जी को सबसे पहले मेजर किया। इसने पता क्या बताया मेरे को, इसके अंदर कितनी एनर्जी है इस वक्त, मैं बताता हूँ। इसके अंदर है जितना गाइस यहाँ पर तुम लोग ये मान के चलो 1 मिलियन TNT इसको हम लोग फोड़ेंगे। 1 मिलियन TNT इसको फोड़ने के बाद जितनी एनर्जी निकलेगी ना, उतनी एनर्जी इस रेडिएंट नाम के डायमंड के अंदर है। तो इसने क्या किया, अभी इस रेडिएंट नाम के डायमंड को अभी ये ना कहीं पे छुपाने वाला, ताकि किसी और गलत बंदे के हाथ में ना लगे, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तुम लोग समझो 1 मिलियन डायमंड्स, आई मीन लाइक 1 मिलियन TNT की एनर्जी है इसके अंदर। तो ये उसको यहाँ पे आराम से छुपा देगा। एंड इसने गाइस हम लोगों के लिए वो पूर्णविराम जाने के लिए जो पोर्टल है उसकी लोकेशन इसने हमें बता दिया। एंड गाइस उसके अलावा ना मुझे इसने उस गुफा वाली बात के बारे में भी बताया वैसे पहले। लेकिन भाई मेरे को वो बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि ही विल टेक रिवर्थ और सेव हिमलैंड्स ब्रो। एक बात बताओ कि भाई हम लोग काफी नहीं है क्या हिमलैंड्स बचाने के लिए? नहीं यार, मैं खुद वही सोचा गाइस, वहां पे एग्जैक्टली यही लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट सेव हिमलैंड्स, और हम तीनों की फोटोज थी, लाइक कोई बताने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस यही चीज जब मैंने प्रोफेसर से पूछी तो प्रोफेसर साहब ने ना कंप्यूटर में देख के बताया कि वो जो हमारे बंदे हैं ना वो अंडरग्राउंड राउंड वाले बंदे थे, जो अंडरग्राउंड बेसिकली कबीला है, जो वो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी बड़े तेज है। तो मे भी हो सकता है उन लोगों ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हो कि भैया ये तीन बंदे सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये लोग सेव नहीं कर पाएंगे। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है यार आई डोंट नो भाई। लाइक हमारे पास सारी चीजें, हमारे पास पावर्स हैं। आई नो देखो हमारे पास एक जीरो ब्रेन वाली पावर नहीं है, हीरो ब्रेन वाली पावर नहीं है, लेकिन हम काफी हैं, हम लड़ सकते हैं भाई। मुझे भी ये लगता तो है, बट वहाँ पे लिखा हुआ था गाइस, अभी फिलहाल को उस गुफा में क्या लिखा हुआ था वो चीज का दिमाग खराब करने की फिलहाल को जरूरत है नहीं है। अभी मैं और ड्रीम बॉय जाने वाले, बट एक और मेन चीज है, इसने हमें पता क्या बोला कि भैया तुम लोग अकेले हिमलैंड्स को नहीं बचा सकते हो, पूर्ण विराम वाली जगह पे हम लोगों को ना कुछ, हम लोगों को एटलीस्ट 4 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है वहां पे, क्योंकि हम लोगों को कुछ इस टाइप के लिवर्स कॉम्बिनेशन होंगे जो हम लोगों को एक साथ बंद करने पड़ेंगे, ताकि सारी की सारी टाइमलाइंस के जो पोर्टल है वो एक साथ बंद हो जाए। तो 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं और ड्रीम बॉय तो है ही है, और इसने बोला है कि एक हम लोग एसजीओ को लेकर जा सकते हैं ऑफकोर्स, बट उसके अलावा चौथा बंदा कौन आएगा? तो इसने मुझे बोला कि भाई ये तो आ नहीं सकता है क्योंकि इसका भाई मर चुका है, इसको किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना पड़ेगा, तो हम लोगों को चौथे बंदे का जुगाड़ करना पड़ेगा। काम करते ड्रीम बॉय, पहले मैं और आप चलते हैं। अभी आपको पता है ना एक्जैक्टली हम लोग को एसजीओ कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिल सकता है। एसजीओ को ढूंढते हैं, एसजीओ को भी बताना पड़ेगा। अभी तो एसजीओ भी मेरे खिलाफ ही होगा ना ड्रीम बॉय भैया, है ना मेरे खिलाफ होगा। क्यों नहीं है खिलाफ, आपने आपकी हरकतें ऐसी हैं अभी भी, अभी तो भाई मान जाना यार, अभी तो मनवा दियो उसको भाई प्लीज, अभी तो हम लोगों को जीतना है। मैं कुछ करवाऊंगा। चलो भाई फटाफट एक बार हम लोग हिमलैंड्स को ढूंढते हैं। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं कि एसजीओ भाई को भी आपकी जरूरत है, पता है क्यों? वो मान जाएंगे, आई एम श्योर। है बिल्कुल जरूरत है, नुबड़ा जी को कुछ रिलेटेड काम है उनका। मतलब बेसिकली अभी हम तीनों लोगों को एक दूसरे की जरूरत है ब्रो। Exactly. के लिए मुझे जरूरत है, आपको किमोची के लिए जरूरत है हम सबकी, और उसको नुबड़ा जी से रिलेटेड। भाई तो बेस्ट हो गया फिर, अगर नुबड़ा जी पहले ठीक हो गए तो फिर तो चौथा बंदा हम लोगों को प्रोफेसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं भाई। चलो तुम लोग आ जाओ, बस आ जाओ। लेकिन स्मार्टी भाई एक सोचने वाली बात ये भी है जो कि मेरे दिमाग में बार बार डाउट ला रही है। हाँ? कि देखो वहां पे लिखा हुआ था ही विल टेक रीबर्थ, और फिर उसके बाद वो भी लिखा हुआ था विद हिज बेस्ट फ्रेंड ही विल सेव हिमलैंड्स ब्रो, व्हाट इज दिस विद हिज। हां वहां पे लिखा हुआ था कि ही विल सेव हिमलैंड विद हिज बेस्ट। अब मुझे नहीं पता भैया बेस्ट फ्रेंड का क्या सीन है फिलहाल को भाई, आई एम वो पता नहीं कौन रैंडम बता था, मुझे नो आइडिया भाई वो कौन बंदा ही विल टेक रिवर्स वाला बंदा, जो भी है वो बाढ़ में जाए फिलहाल को। ये सब पजल वाली चीज है, वैसे मैं बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब रहता, मेरे को पजल सोल्व नहीं करनी यार। अगर कोई पजल हमको बस पूर्ण विराम वाली जगह पे पहुंचना है किसी भी हालत में, ठीक है फटाफट चलो भाई यहाँ से, लेट्स गो मैन। अरे स्मार्टी भाई प्रोफेसर ने बताया तो था कि वो पाव की फैक्ट्री के पास है। सॉरी वो बिल्कुल मुंह के सामने भाई हमारे इंग्लैंड की, जल्दी चलो अभी ना एक काम करते भाई एसजीओ को फटाफट पटाते हैं भाई हमारे साथ चल किसी। अभी तक वो बंदा मेरे खिलाफ ही होगा मुझे इतना तो पता, बट कोई बात नहीं ट्राई तो करते एक बार। वो क्या है, हवा में लटका हुआ? अच्छा चलो फटाफट चल रही है। देखो डरने की कोई बात नहीं है, ज्यादातर मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या सीन चल रहा है, वो मान जाएंगे आई एम श्योर। प्लीज है ना, फालतू में अब दिक्कत ना क्रिएट हो जाए कुछ यार। कहां पर, अरे अंदर दिख गया मेरे को, एसडीओ
सब कुछ बताया और बिलीव करो, यकीन करो स्मार्टी भाई ऐसे हो अभी। अरे भाई तू डिसाइड कर ले अभी, मैं और ना क्या बोलते हैं टाइमलाइंस को ठीक करने, जो हमारी गड़बड़ हो चुकी है टाइमलाइंस को, उसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को आपकी जरूरत पड़ने वाली है। भाई मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ, मेरा कोई कभी सुनेगा? मैं ये सेम चीज बोल रहा हूँ ड्रीम बॉय को, ये हरामी सुनता नहीं था मेरी चीज। ये लड़की लेकर आया ना, उसको लड़की बचाने जाना की मुझे। हाँ ना भाई। भाई तो एक सेकंड, मैंने क्या गलती कर दी अगर मैं उसको इस टाइमलाइन में ले आया? दोनों मेरे पे ऐसे चढ़े क्यों आते हो उस बात पे यार? अरे भाई तो चढ़ना ही है ना, और क्या करे मुझे बताओ। चलो यहाँ से बाहर फटाफट, हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी देखो ऐसे हो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों को टाइम लाइन की गड़बड़ों को ठीक करने के लिए एक जगह पे जाना है जिसका नाम पता क्या है। एक मिनट, आप जगाए छोड़ो, पहला मेरा नुबड़ा जी मर गया है, उसकी हेल्प करने के लिए चलो यार, आपकी जरूरत है उसके लिए। आई नो उसकी जरूरत है, बट अगर सपोज करो टाइमलाइन से और कोई गड़बड़े वाले बंदे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, टाइमलाइन ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना? अभी नुबड़ा जी की देखभाल कर रहा है वो प्रोफेसर, मैंने उसकी लास्ट देखी हुई है, ठीक है? बहुत कम घंटे हम लोग हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू हो जाएगा। अभी हम लोग को एक जगह पे जाना है जिसका नाम पता है पूर्ण विराम। उस जगह पर हमारी जो टाइमलाइन है ना, सारे टाइमलाइंस का कुछ समूह है जिसमें हम लोगों को चार लोगों की जरूरत पड़ेगी, तीन अब मैं चौथा पता नहीं कौन होगा। एंड अभी हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी में पूर्ण विराम वाली जगह पर जाके इसको ठीक करना है, टाइमलाइंस की गड़बड़ों को ठीक करना। क्या फलाना, क्या फलाना? अच्छा तू इधर ही मिल गया मेरे को, अच्छा तू इधर मिल गया। तू मुझे सबसे बताइयो, जब मैंने तो कुछ पानी के नीचे ट्रैप किया, तू वहां से निकला कैसे? बता मेरे को, तू निकला कैसे वहां से? ओ स्मार्टी, क्या अच्छा हुआ यही मिल। एक सेकेंड, मुझे ढूंढ रहा था, तू मुझे ढूंढ रहा है? अबे मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए? मैं कब से ढूंढ रहा था? कुछ भी लिख रहा है भाई ये बंदा, कुछ भी लिख रहा है। चल बता तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? क्या क्या काम का? मरने की ज्यादा जल्दी है तेरे को? मुझे लगता है ऐसा ही तरह है इसके अंदर घर आया। अबे फलाने बेटे पिट के बॉस भी आ रहा है। कौन सा बॉस भाई? क्या बोल रहा है ये बंदा? ये तो किलविश के लिए काम करता था ना। अभी तो मुझे क्यों बता रहा, तेरा बॉस आ रहा है? अरे क्या बोल रहा है? क्यों रहे आप? मार देंगे भाई इसको। ये भी यही है ब्रो, बढ़िया किया, इनको यही निपटा देंगे। बढ़िया किया। ओए ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई तुम लोगों को निपटाने की प्लानिंग में, मैं कोई निपटाने की प्लानिंग, झूठ बोल रहा है ये। बॉय पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, जोकी के झूठ बोल रहा है गाइस, ठीक है ना? ये दोनों मिलके मर्डर करेंगे भाई, आप लोगों का मुझे इसके साथ ही कुछ भी बोल रहा है। डबल गेम, डबल, एक सेकंड, ये डबल गेम हो सकता है। जो भाई पीछे आओ, पीछे आओ यार भाई, ये कुछ भी बोल रहा है। अरे नहीं 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 स्मार्टी, आप डबल गेम खेलने के लिए ऐसे ही लास्ट टाइम भी ऐसे ही कहता ड्रीम बॉय, सच्चे पीछे डालो। एग्जैक्टली स्मार्टी भाई, आप पे यकीन करना कितना गलत बात है यार। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा, ठीक है ना यहाँ पे? अरे भाई आप मेरा यकीन मारो, आई एम नॉट इवन जोकिंग। जल्दी से जी ने बोल क्या करना है, मैं मर्डर कर दूंगा तेरा अभी। स्मार्टी फलाना दोनों बता दो क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। अरे मैं क्या बताऊंगा, व्हाट मैं क्या बताऊंगा, व्हाट इससे मत खेलो, ये कुछ नहीं कर सकता है। पीछे पीछे हटो सब, मैं पीछे हटो, मैं पीछे हट गया, तुझसे नहीं लड़ना ब्रो। व्हाट द हेल, ये कितना बड़ा ही है, मां कसम ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। पीछे ही रहो, पीछे रहो, ये इसके टाइटन बहुत खतरनाक है, बच के रहो। नो, ओह माय गॉड, स्मार्टी हेल्प ब्रो, स्मार्टी सच्ची में मर गया ड्रीम बॉय। ओह शिट जो भाई ये, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। हेलो 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 हेलो